मॉडल मुनमुन धमीचा ने समीर वानखेड़े पर लगाए गंभीर आरोप। आर्यन खान ड्रग केस में किया ये बड़ा खुलासा। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग केस मामले में लगातार बड़े बड़े नए खुलासे हो रहे हैं। आर्यन खान ड्रग केस में फंसी मॉडल मुनमुन धमीचा ने एक्स एनबीसी चीफ समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें केवल फेम पाने के लिए इस मामले में फंसाया गया है। उनका ड्रग्स मामले से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन जब समीर वानखेड़े को पता चला कि वो एक मॉडल हैं, तो उन्हें इसमें घसीट लिया गया। मुनमुन धमीचा के वकील ने मिरर नाउ के एक्सक्लूसिव दिया इंटरव्यू में बताया कि उनके क्लाइंट को ड्रग मामले में फंसाने से पहले बताया गया था कि उन्हें थोड़ी देर में छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसका उल्टा ही हुआ। वहीं वकील ने आगे कहा, उन्हें वहां पर बैठा लिया गया और जो लोग वाकई रेड में पकड़े गए थे उन्हें इग्नोर कर दिया गया क्योंकि वो नामी लोग नहीं थे। मुनमुन धमीचा के वकील ने मिरर नाउ को बताया, जब मुनमुन को एनबीसी के ऑफिस ले जाया गया तो उससे समीर वानखेड़े ने कहा था कि उसके खिलाफ कोई केस नहीं है, लेकिन जैसे कि उन्हें पता चला कि वो मॉडल है उसे हिरासत में ले लिया गया। मुझे नहीं पता कि एनबीसी मुनमुन को हिरासत में लेने के लिए इतनी दिलचस्पी क्यों लेने लगी, जबकि कुछ लोगों को वहीं छोड़ दिया गया जो पकड़े गए थे। वानखेड़े ने कुछ लोगों को पकड़ा और बाकियों को जाने दिया गया। मुनमुन धमीचा के वकील ने एनबीसी चीफ समीर वानखेड़े पर यह भी आरोप लगाया है कि उनकी क्लाइंट को पकड़ने के बाद उन्हें एक दो वकीलों से मिलवाया गया था। उसने कहा गया था कि ये वकील मुनमुन का केस लड़ेंगे। हालांकि मुनमुन की फैमिली ने उनके कॉन्टेक्ट किया और फिर वो इस केस में आ गए। मुनमुन के वकील द्वारा लगाए गए आरोप काफी ज्यादा गंभीर भी हैं। बलाप का मॉडल मुनमुन धमीचा के किए इस खुलासे पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।